एक दिन मैं ऐसी ट्रेन में सफर कर रहा था, तो एक लड़का आया मेरे पास, शायद अपने 20s में होगा वो, और मेरे हाथ पकड़ लिया इस तरह और मुझे बोलता है ये वेंस मुझे दे दे ठाकुर। जस्ट किडिंग, बट आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले। काफी लोगों का डाउट था और काफी वीडियोस के नीचे भी आपका कमेंट आया था कि वेंस पॉप आउट करने के लिए कैसे ट्रेनिंग करना है या वेंस किस तरह से हमारे डेवलप होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले। व्हाट्स अप एवरीवन, कृष्ण शेट्टी हियर फ्रॉम द सफल स्टूडेंट। सो लेट्स सी हाउ टू ट्रेन टू बिकम मोर वैस्कुलर। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको वैस्कुलरिटी या वेंस पॉप आउट करने के लिए कभी भी ट्रेनिंग शुरू नहीं करना चाहिए। जब आप आपके वर्कआउट रूटीन से और आपके मील पैटर्न्स को फॉलो करने में कंसिस्टेंट होते जाओगे तो धीरे धीरे आपका वैस्कुलैरिटी भी बढ़ते जाएगा अराउंड योर मसल्स। इट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कंसिस्टेंसी एंड योर डिटर्मिनेशन टू बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, लीनर एंड मस्कुलर। तो ऐसे मत समझना कि सिर्फ वैस्कुलैरिटी के लिए आपको ट्रेन करना है। यू हैव टू ट्रेन फॉर योर ओवरऑल वेलबींग एंड योर ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। एंड बाय प्रोडक्ट आप देखोगे कि आपका वैस्कुलैरिटी भी काफी बढ़ जाएगा। जनरली आप कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स को देख सकते हो या फिर जो भी जिम में कंसिस्टेंटली जा रहा है काफी टाइम से और अपने मील्स को और ईटिंग बिहेवियर को भी कैरफुली प्लान कर रहा है, उनका वैस्कुलैरिटी आपको काफी ज्यादा दिखेगा। एंड जनरली आपको सब लोगों में नहीं दिखता है क्योंकि दे आर नेवर कमिटेड टू देयर फिटनेस रूटीन। बट अब हम बात करेंगे कि कैसे आप ट्रेन कर सकते हो स्पेसिफिकली और क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो सो एज टू इम्प्रूव योर वैस्कुलैरिटी अराउंड योर आर्म्स या फिर अराउंड योर एनी मसल। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि वेन्स आपके स्किन के नीचे होते हैं बट आपके स्किन के बीच में एक सबक्यूटेनियस फैट होता है। वो फैट लेयर अगर आपका ज्यादा होगा तो आपका वेन्स कभी भी बाहर दिखेगा नहीं अच्छी तरह से, कितना भी आप एक पर्टिकुलर मसल्स को ट्रेन कर लो। वेन्स तो है आपके मसल्स के ऊपर बट आपका जो सबक्यूटेनियस फैट है वो आपके वेन्स को ढक देता है, तो इसलिए आपका वेन्स ज्यादा विजिबल नहीं दिखता आपको। तो इसलिए आपका फैट परसेंटेज को रिड्यूस करना काफी इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ योर वेन्स। एंड इन जनरल आप 13% फैट से नीचे नीचे आओगे तो आप देखोगे आपका वेन्स का विजिबिलिटी भी बढ़ते जाएगा। एंड जनरली आपके आर्म्स में आपको जल्दी दिख जाते हैं वेन्स क्योंकि आर्म्स के अराउंड जो हमारा फैट होता है वो काफी कम होता है। बट जैसे जैसे आपका फैट परसेंटेज कम होते जाएगा आपके चेस्ट के अराउंड भी आपको वेन्स दिखेंगे, आपके एब्स के अराउंड, जनरली आपके लोअर एब्स के अराउंड भी आपको वेन्स दिखने लग जाते हैं व्हेन यू ड्रॉप बिलो 10% ऑफ द फैट। तो इस तरह से जैसे आपका फैट परसेंटेज कम होगा आपका वेन विजिबिलिटी भी एनहांस होते जाएगा। सो द बेसिक एम हियर इज टू इम्प्रूव अवर मसल मास एंड टू रिड्यूस अवर ओवरऑल फैट परसेंटेज। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ओवरऑल वैस्कुलैरिटी बढ़ाने के लिए कैसे ट्रेन करना चाहिए। तो इन जनरल जब आप कोई भी पर्टिकुलर मसल्स को ट्रेन करते हो तो आप आपके मसल्स के सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स है उनका जो ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज करते हो, तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो वैसोडाइलेशन में चले जाते हैं ताकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़ जाए। और जब आप मसल्स को रिलैक्स करते हो तो वो वैसोकंस्ट्रिक्शन पोजीशन में जाते हैं जहाँ पे वहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो जब आप रेगुलरली कोई भी मसल्स को ट्रेन करते हो तो आप उधर के ब्लड वेसल्स को वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन स्टेज में लेके जाते हो जिससे वहाँ के ब्लड वेसल्स का जो कैपेसिटी है टू वैसोडाइलेट एंड वैसोकंस्ट्रिक्ट एंड टू ब्रिंग द न्यू ब्लड इन टू दैट पर्टिकुलर मसल्स वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और उससे आप देखोगे आपका जो वेन का साइज है और आपका वेन का जो काउंट है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इन अ पर्टिकुलर मसल व्हेन यू कीप ऑन ट्रेनिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूं तो आप मेरे कुछ कुछ पिक्चर्स देख सकते हो पहले के जिसमें मेरे वेन्स कम थे अराउंड माय बाइसेप रीजन एंड इवन अराउंड माय फोरआर्म रीजन। बट अभी अगर आप देखोगे तो आपको काफी ज्यादा वेन्स देखने को मिलते हैं अराउंड माय बाइसेप रीजन, अराउंड माय ओवरऑल आर्म रीजन। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस। एंड बेस्ड अपॉन माय ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूंगा कि आपको हाई रेप रेंजेस एंड लो रेप रेंजेस दोनों पे ही ट्रेन करना चाहिए। एंड बेसिकली मेरा फेवरेट एक्सरसाइज सो एज टू इम्प्रूव द वैस्कुलैरिटी ऑफ द आर्म्स वॉस पुलअप्स। तो यहाँ पे जब मैं लो रेप रेंजेस में ट्रेन करता हूँ तब मैं हैवी वेट्स डाल लेता हूँ चेन से और फिर 3 या 4 रेपिटेशंस करता हूँ विद मैक्सिमम लोड्स, तो वो तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और उससे मैंने देखा कि मेरा वैस्कुलैरिटी काफ़ी बढ़ गया। और साथ ही मैं लो रेप रेंजेस के लिए मैं बहुत पहले से ट्रेन करता था, आई वॉज डूइंग ऑलमोस्ट 100 रेपिटेशंस ऑफ पुलअप्स पर डे, एक वीक में कभी कभी मैं एक बार ये कर लेता था। और उसी के साथ आप स्पेसिफिक आर्म वर्कआउट भी कर सकते हो जैसे कि बाइसेप कर्ल्स कर सकते हो, फोरआर्म कर्ल्स कर सकते हो या फिर हैंड ग्रिपर से या फिर रेजिस्टेंस बैंड से भी आपके फोरआर्म्स एंड ओवरऑल आर्म्स को ट्रेन कर सकते हो। तो इन सारे वर्कआउट के वीडियोस में लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये तो मैंने सिर्फ अपने आर्म्स का वैस्कुलैरिटी के बारे में बताया बट सिमिलरली बाकी मसल्स के अराउंड में भी वैस्कुलैरिटी आपको देखने को मिलता है। बट उधर भी आपको वही करना है, आपको हाई रेप रेंजेस एंड लो रेप रेंजेस दोनों में ट्रेन करना है। और कुछ स्पेसिफिक आइसोलेटेड ट्रेनिंग रूटीन आपको अगर मिलता है तो वो भी ऐड कीजिए फॉर द लोअर रेप रेंजेस एंड हायर रेप रेंजेस, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा सो एज टू बिल्ड द वैस्कुलैरिटी अराउंड दैट पर्टिकुलर रीजन। जैसे कि शोल्डर्स में आपको देखने को मिलता है, एब्स के नीचे भी, लोअर एब्स में भी देखने को मिलता है, लेग्स में भी देखने को मिलता है, काफ में भी देखने को मिलता है। तो उन सारों को अगर आप रिपीटेडली ट्रेन करोगे इन ऑल द रेप रेंजेस तो आपको काफी बेनिफिट होगा सो एज टू इंप्रूव योर ओवरऑल वैस्कुलैरिटी। नाउ इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन मैं तो बोलूंगा आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना मैंडेटरी है यहाँ पे, क्योंकि जब तक आपका फैट परसेंटेज कम नहीं होगा जैसे हमने पहले ही बात किया इसके बारे में, तब तक आपका वैस्कुलैरिटी या आपका वेन्स पॉप आउट होके दिखेगा नहीं सही तरीके से। मेरा फैट परसेंटेज अराउंड 11%
8-10% के अराउंड रहता है, तो आप देख सकते हो कि मेरे आर्म्स का वैस्कुलैरिटी काफ़ी अच्छे से दिख जाता है, बट मेरा रेस्ट ऑफ द मसल्स का वैस्कुलैरिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे जैसे मेरा फैट परसेंटेज और भी गिरेगा, आपको और ज़्यादा वैस्कुलैरिटी देखने को मिलेगा अराउंड ऑल द मसल्स ऑफ माई बॉडी। और उसी के साथ आप नायसिन एंड नाइट्रेट रिच फूड जैसे कि स्पिनेच, बीटरूट, पम्पकिंस, ये सब आपके मील्स में ज़रूर ऐड कर सकते हो, जिससे वैसोडाइलेशन जो होता है हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसका जो एक्सपांशन होता है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। एंड विद द वर्कआउट रूटीन भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा एनहांस होगा, क्योंकि अगर आपका वैसोडाइलेशन अच्छे से होने लग जाता है तो पर्टिकुलर मसल्स को जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी तरह से मिलने लगता है। एंड इन टर्म्स ऑफ प्री वर्कआउट सिट्रिलिन मैलेट या फिर आर्जिनिन, ये दोनों भी वैसोडाइलेशन के लिए हेल्प करते हैं, जो कि हमको एक सही तरह से पंप दे देते हैं इफ़ वी ऐड दीज सप्लीमेंट्स इन अवर प्री वर्कआउट। बट मैं इनमें से कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लेता हूँ एंड स्टिल यू कैन सी द वैस्कुलैरिटी ऑफ माई आर्म्स। सो आई डोंट थिंक सप्लीमेंट लेना जरूरी है, बट इन सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपका ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका स्ट्रेंथ, आपका मस्कुलैरिटी, आपका परफॉर्मेंस एंड आपका वैस्कुलैरिटी, ये सारे चीज़ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। बट वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि कंसिस्टेंसी ही आपको रिजल्ट देने वाला है। ऐसा कोई एक एक्सरसाइज या दो एक्सरसाइज सिर्फ हैंड ग्रिपर से करने से आपका वैस्कुलैरिटी बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेंथ वाइज आपको बढ़ना है तो आपका ओवरऑल कंसिस्टेंसी इन द फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन इज नेसेसरी। तो आई होप ये वीडियो से आपको काफी इंसाइट्स मिल गए होंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बिल्ड द वैस्कुलैरिटी अराउंड द पर्टिकुलर मसल्स। एंड इफ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर विद एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ऑन वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सफल, स्टे स्ट्रॉन्ग।